ले ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो मेरी नहीं, रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप, सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही है। क्या नम्रता, हलवा ही तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था, और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था, रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया, कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है, और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए। रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे, तो काफी मान मनवल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था, घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है, वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कट कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई, रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ ना कह सकी और वहां से चली गई, लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी, ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहां जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं, अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं नहीं ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्हें गर्म खाना खाने की आदत है समझी,
तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी, ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था, जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया, और अब तुम घर बैठी हो, और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों, कहा था ना तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी, और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी, और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी। सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थीं, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्निया बनाने के लिए बोला था तो सारा घी पिन्निया बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी, तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था, घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था, बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है, कैसे करना है फिर?
अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है, रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा, वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना, अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना, कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुँचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुँचे हैं। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है, और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए, वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार, ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ, अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए। क्या खाना लगाऊं, खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे, रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना, रुको मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ, तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियां और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियां क्यों तल रही हो, इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो, कोमल अपने मम्मी पापा अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है, इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया,
अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू? ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूं, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, अब गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल शांत हो जाओ, अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।